कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हो तो दो तरह की होती हैं। वो कॉस्ट जो होनी ही होनी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, फिजिबिलिटी के पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ने कहा उसको क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। और ऐसी कॉस्ट तो है तो कॉस्ट टू ऑब्टेन ही, लेकिन रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, यानी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही पड़ी। स्टैंडर्ड ने इसको नाम दिया हुआ है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, यानी इसको उर्दू में कह सकते हैं ये कॉस्ट ना होती अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता, ठीक है जी। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहा है स्टैंडर्ड ने, एसेट बनाओ। फिर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है तो जितनी भी कॉस्ट इनकर होती हैं उनमें से अगर तो कॉस्ट के ऊपर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो उसी स्टैंडर्ड से जाके पूछो क्या करना है। और अगर कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन किसी और स्टैंडर्ड के अंडर नहीं आती तो फिर आगे फर्स्ट बना के पास लेके आओ। और आगे फर्स्ट बना कहता है कि उनको एसेट बना लो कब, इफ इफ कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प इन सेटिस्फाइंग पीओ एंड आर रिकवरेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये तीन क्राइटेरिया मीट ना करें तो फिर एक्सपेंस होना। अब कुछ ये तो चलो निकल ही गया ना यहाँ से, ये तो चला गया किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में, जो भी कॉस्ट आएगी जिस स्टैंडर्ड उसी के स्कोप के अंदर डील होगी। अब बाकी आएगी तीन चीजें, एक्सपेंस, एसेट, एसेट। तो एक्सपेंस का तो यहाँ से बचेगी, एक्सपेंस तो कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, मार्कस बेटा दो मार्कस, ठीक है। हाँ ये भी बांटने को, पहले मार्कर ला दो। एक्सपेंस तो जाना प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो चला गया दूसरे किसी स्टैंडर्ड में, उसी से पूछेंगे एक्सपेंस ऐसे क्या करना है, ठीक है, इसको साइड पे कर दे। अब रहेगी ये तीन चीजें, कॉस्ट ऑफ पेन में एक्सपेंस थी, एक एसेट, और कॉस्ट फुलफिल में आगे फर्स्ट बनाने वाली में भी एक्सपेंस होगी, एक एसेट। एक्सपेंस तो चलेगा प्रॉफिट लॉस में, एसेट का क्या करना है, स्टैंडर्ड का एसेट को एमर्टाइज करो, यानी डेप्रिसिएट, जिसको हम कहते हैं एमर्टाइज करो, सिस्टमैटिक बेसिस है। मैंने आपको कह दिया ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको एमर्टाइज कर लेना, ठीक है। ये सारी बातें ही आपके नोट्स में थी, कितने बच्चे पढ़ के आए इसको, बहुत कम बच्चे पढ़ के आए हैं जी, आपका दिल नहीं कर रहा पास होने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आ जाए जरा क्लियरिंग आउट ऑफ 7 पे, जरा क्विकली क्विकली इसको पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में वो कहता है कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एंड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट ही है। फिर दूसरी जो एक्सपेंस होने वाली कॉस्ट है वो भी कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट ही है, फुलफिल वाली बात सफे के ऊपर नहीं है। ये दोनों बातें क्या कर रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैनेजर वाली, मैनेजर की कमीशन वाली, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो कॉस्ट होती ही ना अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो, ठीक है। और कॉस्ट टू ऑब्टेन ही है, लेकिन ऐसी कॉस्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जानी है, वो हमारे पास मौजूद है। वो क्या लिखता है, पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोस कॉस्ट, ठीक है। वो रिकवर हो जाती होती है जब रेवेन्यू कमाएंगे, तो फिलहाल इसको अलग से ब्रैकेट लगा लो, चलो चाहे तो ब्रैकेट लगा लो, इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोस कॉस्ट, कॉस्ट को ब्रैकेट लगा लो, बाकी बात पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े आप।
अगले सर्वे पे आए, अब कॉस्ट ऑफ पेन की बात होगी, कॉस्ट ऑफ पेन दो थी, अब अगली बात करता है हम पेन हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब फुलफिल करना है, तो कॉस्ट ऑफ फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट माइट बी विद इन स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड। इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा कि क्या करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जब किसी और स्कोप में है तो उसी के स्टैंडर्ड को उसी स्टैंडर्ड से पूछो, ठीक है। और कहता है अगर किसी और माइट बी इन स्कोप अंडर स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड, ठीक है, अगर ये नहीं है यानी कि कोई और स्टैंडर्ड पे नहीं लगा, इफ इफ दिस इज नॉट द केस द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ दे मीट ऑल द फॉलोइंग, एक दो तीन तीनों ही यस होने चाहिए, ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नंबर वन द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू अ कॉन्ट्रैक्ट, आगे बस जाते हैं, लंबी कहानी कौन जाता है, लिखा ये इतना ही बस वहां पे हाईलाइट कर ले, द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और आगे मैंने आसान करके इस तुमले को लिखा हुआ है, द कॉस्ट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, नंबर थ्री द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, कॉस्ट आर रिकवरेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, रिकवर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आएगा तो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, इसमें जो दूसरा जुमला थोड़ा मुश्किल था उसको आप आसान कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब बहुत कम आज गए हुए इसलिए दोबारा से ये एग्जांपल्स को एक नजर पढ़ के आना है, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास मोटी मोटी कितनी सी के इंक्रीमेंटल कॉस्ट को एसेट बनाएंगे और तीन क्राइटेरिया मीट करने वाली कॉस्ट को एसेट बनाएंगे, ठीक है, बाकी दूसरे स्टैंडर्ड वाली उनके पास भेज देंगे और कोई भी कॉस्ट होगी उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। अब बन गया एसेट, अब एसेट के बारे में कहता है अगले सफे पे एमोर्टाइजेशन के बारे में, क्या कहता है, कहता है एमोर्टाइजेशन एन एसेट ऑफ एन एसेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से एसेट बने, ये देखे एक और ये दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे, तो ये दो है ना, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से एसेट बने हैं उनका क्या करो, कहता है must be amortized on systematic basis consistent with transfer to the customer of goods and services to which asset relates. अच्छा अब सुनो, वो कह रहा है जो एसेट बने उसको amortize करो systematic basis, ठीक है, सही है। अच्छा अब अगली बात, अगला जुमला पढ़ने से पहले हमने आइए 16 पढ़ा है, हमने एसेट की लाइफ के स्टार्ट में एक एस्टिमेट लगाया कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ होगी 10 साल, ठीक है, 2 साल गुजरने के बाद हमें लगा ना अभी ना ये तो मजीद 3-4 साल ही चल सकेगा, इसकी तो हालत बड़ी गैर हो गई है, चेंज इन एस्टिमेट कहते थे इसको, बोलो हमने एक एसेट खरीदा यूजफुल लाइफ का अंदाजा लगाया 5 साल, 3 साल गुजरने के बाद हमें लगा एसेट तो 10 चल रहा है तो मजीद 5 साल चल जाएगा, ये क्या है, चेंज इन एस्टिमेट। ऐसे ही स्टैंडर्ड ईआई फर्स्ट बना कहता है जो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला एसेट बनाया ना इसकी भी यूजफुल लाइफ को यूजफुल मतलब अगर आपका रेवेन्यू पहले साल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट था आपका भी मैं एग्जांपल लाता हूं, ठीक है, आपने नजर लगाया था कि 2 साल से 4 साल के रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन वो पहले साल के एंड पे उन्होंने कहा ये बहुत चल गया अच्छा जा रहा है इसको आप मुझे 2 साल चलाएं, ठीक है, तो वो अगर लाइफ रेवेन्यू की बढ़ गई है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लाइफ बढ़ गई है तो आपको उसी तौर पर एमोर्टाइजेशन को चेंज करना चाहिए, लेकिन एस्टीमेट तो वो अगली लाइन लिखी हुई है, कहता है एमोर्टाइजेशन मस्ट बी अपडेटेड to reflect a significant change in the entity's expected timing of transfer to the customer of goods or services to which asset relates. This concept is just like this, the same concept we had in depreciation that an asset's life or depreciation method is change. ठीक हो गया जी? Okay. अब उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है जी, एग्जाम्पल मैंने आपको कही थी घर से तवज्जो से पढ़ के आनी है, कौन सी मीडिया कंपनी वाली, ओपन करें जरा, अ मीडिया कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स रेडियो स्टेशंस, द मेन रेवेन्यू स्ट्रीम इज इश्तिहारी इनकम, इश्तिहारी रेवेन्यू मीडिया कंपनी है, इश्तिहार चलाती है, इश्तिहार चलाने के पैसे लेती है, एयर टाइम बिका करता है ना, ये जो ऑन एयर चीजें, ऑन एयर मतलब क्या, हवा में नहीं, हवा मतलब हवा में भेजा जाता है ना, ऑन एयर आते हैं, कोई बंदा टीवी की स्क्रीन पे इतनी देर आपके हमारे चैनल के ऊपर अगर आपके इश्तिहार इतनी देर के लिए ऑन एयर रहा तो उसके हिसाब से पैसे होंगे, तो सेकंड्स के हिसाब से पेमेंट हो रही होती है, ठीक है, तो ऐसे ही रेडियो के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट के अपने रेट्स होते हैं, तो मीडिया कंपनी कमाएगी कैसे, एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार चला के, ठीक है, एयर टाइम बेचेंगे ना, ठीक है, तो कहता है ओन एंड ऑपरेट रेडियो स्टेशन द मेन रेवेन्यू स्ट्रीम इज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद वेरियस बिजनेसेस फॉर द सेल ऑफ एयर टाइम, कोई बंदा आएगा कहेगा जी मेरा इश्तिहार बना दे, उसका इश्तिहार बना के उसको ऑन एयर करेंगे और उससे जितनी देर ऑन एयर करेंगे उसके पैसे लेंगे, ये इनका काम है, ठीक है, अब ये इश्तिहार बनाते हैं और चलाते हैं, सही है, द काउंट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पेन दीस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर कंपनसेटेड थ्रू 5% कमीशन ऑन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ईच न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट बहुत काम है कोई चैलेंज काम लगा, यार अगर कोई बंदा गिर लाएंगे ना वो हमसे इश्तिहार बनवाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू उसका 5% आपका, ठीक है, तो ये कमीशन है टू मैनेजर, लेकिन ये है कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये तब इनकर होगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करेंगे, समझ आ रही है ना, अच्छा एक्जेक्टिव एक्स हैज ऑब्टेन्ड अ न्यू 2-year एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी एबीसी, मिसाल के तौर पर नेस्ले, एक एक्जेक्टिव था नाम उसका एक्स था, ठीक है जी, वो नेस्ले वालों को उसने राजी कर लिया कि आप हमसे इश्तिहार बनवाएं और चलवाएं, ठीक है, और बहरहाल उस लाके वो इनको इस पर राजी कर लेता है कि आप हमारा कस्टमर बन जाएं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने रेवेन्यू नहीं बताया, बता दो रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करते 2 साल के ऊपर, लेकिन ये पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, यानी ये इश्तिहार बनाएंगे और 2 साल चलेगा ये, अब उसने कॉस्ट दी है इस कॉन्ट्रैक्ट के से रिलेटेड कॉस्ट है जिसमें कुछ कॉस्ट जो है वो भाई साहब ये तक नहीं बैठ जाते साथ नहीं हो जाते, कुछ कॉस्ट जो है वो ऑप्टेन वाली होंगी कुछ फुलफिल वाली होंगी, हम हर कॉस्ट को पढ़ते जाएंगे और उसके आगे डिसीजन लिखते जाएंगे, बस ये 2 मिनट के अंदर ताकि खत्म हो जाए, सबसे पहली कॉस्ट क्या है, लीगल फी टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग बिड, बिड बनाकर लिखे प्रपोजल, बिड प्रपोजल क्या होता है जी, वही कोटेशन है जो हमने तैयार करनी थी और मैंने कहा था मैं अपने मैनेजर को इस फिजिबिलिटी के तैयार करने के ऊपर भी पैसे दूंगा, ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी कॉस्ट आई है जी, लीगल फी, ये पहले तो पहले एक डिसीजन करेंगे ऑप्टेन या फुलफिल है, फिर उसके बाद देखेंगे एसेट एक्सपेंस वाली, ठीक है, तो बताइए कॉस्ट ऑप्टेन है या कॉस्ट फुलफिल है, कॉस्ट ऑप्टेन है, ठीक है जी, तो कौन सी वाली एक्सपेंस या एसेट, प्रपोजल हमें हमने जो है वो देना एक्सेप्ट ना हुआ तो ये कॉस्ट तो गई ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कॉस्ट टू, लिखते जाएंगे साथ साथ आगे कॉस्ट टू ऑफ पेन, ब्रैकेट डाल के लिखेंगे कॉस्ट टू ऑफ पेन और आगे एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ पेन डैश या कॉलन डाल के एक्सपेंस है कॉस्ट टू ऑफ पेन, लेकिन कौन सी एक्सपेंस वाली, अगर एक्सपेंस वाली है तो ये सारी की सारी पहले साल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी ना, इसको तो ऐसे नहीं ना प्रॉफिट लॉस में ना, मिसाल के तौर पर ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है, यहाँ मैंने लिखा लीगल लीगल फी कितनी है 10,000, सारी की सारी एक्सपेंस यहाँ को नहीं जाएगी, ठीक हो गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, कमीशन पेड टू अकाउंट एक्जेक्टिव, पहले तो ये बताओ ये ऑप्टेन है या फुलफिल वाली, कॉस्ट टू ऑप्टेन एसेट या लायबिलिटी एक्सपेंस एसेट एसेट, ठीक है, इसका मतलब 2 साल कॉन्ट्रैक्ट चलना है तो इस कॉस्ट को भी 2 साल पे बांटना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर कमीशन है कितना 7500 है, चलो ये 7500 किसी एक साल को नहीं, आप इसको चार्ज कर सकते डिवाइड बाई 2 करेंगे और 3750 इसको स्टार्ट करके बांटेंगे, थोड़ी बात समझ आ रही है, नेक्स्ट क्या है, मील्स एंड एंटरटेनमेंट इनकर्ड बिफोर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू ऑप्टेन या फुलफिल, एक्सपेंस या एसेट एक्सपेंस, तो मील्स एटसेट्रा सारे का सारा एक्सपेंस कितना 1750 और यहाँ पे डैश, ठीक हो गया, नेक्स्ट
ऑडियो एडिटिंग इक्विप, देखे ना, हम कल पुल बना रहे थे तो हमने वो क्रेन चेंज जाकर खरीदी होगी इक्विपमेंट में, ये लोग इश्तार बना रहे हैं तो ये इश्तार रिकॉर्ड करने के कैमरा या ऑडियो वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो ऑडियो एडिटिंग इक्विपमेंट में उन्होंने कुछ हार्डवेयर खरीदा है और कुछ सॉफ्टवेयर भी खरीदा है। हार्डवेयर पे क्या लगना है? अच्छा, ये ऑडियो एडिटिंग इक्विपमेंट बैक में लिखे गए हैं तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और हार्डवेयर पे लग जाएगा ये 16, सॉफ्टवेयर लग जाएगा ये 38, ठीक है। तो उन्हीं से पूछेंगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैं आप एग्जांपल लेने लगा, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसिव लेकर चल रहे थे ना, यहाँ पे सवाल से मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिक्स एसेट है हार्डवेयर, ठीक है, कितनी कॉस्ट है इसकी? 4,000। ऐसे अज्यूम करते हैं, स्ट्रेट लाइन 10 साल इसमें फायदा देना है, अज्यूम करते हैं। कितनी डेप्रिसिएशन आई? 400 400 10 साल तक। किसने बताया होगा? ये 16 ने, ठीक है। ऐसे ही ये भी फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट है लेकिन है इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर, कितने का है? 3,000 का, अज्यूम करो ये भी 10 साल चलेगा, 10 साल, ठीक है, 300 300। अब आपको ये क्या भाई, इतने अरसे ये इधर यूज हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसको कॉस्ट को यहाँ लोकेट कर दिया, बाकी चलता रहेगा आगे और इशारों के अंदर इस्तेमाल होता है, एडेप्शन जाती रहेगी। बहरहाल ये बात मैं करने के बाद पता डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये शायद यहाँ पर सवाल जो पूछा गया उसके बाद में क्या कहना था, इस पर तो स्टैंडर्ड लगे, हमने डिस्कशन नहीं करनी, मैंने थोड़ी कर दी बात फिर भी, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है जी, डायरेक्टर और एक्टर को पैसे दिए, डायरेक्टर और एक्टर, डायरेक्टर कितने पैसे दिए? 1500 और एक्टर को। अच्छा, आप मुझे बताओ ये कॉस्ट टू ऑब्टेन है, क्या ये कैसे हो सकती है कॉस्ट फुलफिल? इश्तिहार बनवा रहा है, फनकारी करवा रहा है, अगर ऐसे से फनकारी करो और ये फनकारी कर रहा है तो इश्तिहार बन रहा है, ये इश्तिहार बनेगा तो चलेगा, चलेगा तो नेस्ले से पैसे आएंगे, इसका मतलब ये कॉस्ट टू फुलफिल है। लेकिन ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें कोई और स्टैंडर्ड नहीं लगता, तो फिर हम लिया इस वाई वर्ष 15 में 3 कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। पहली कंडीशन, डायरेक्टली रेट करता है, जी बिल्कुल, ये तो कॉस्ट डायरेक्टली रेट कर ही रही है, हेल्पफुल है, इनसेटिस्फाइड, हां जी, प्योर सेटिस्फाइड के बगैर हो नहीं सकती, ये तो बनाएंगे इश्तिहार, ये कॉस्ट देकर इश्तिहार, वरना कहां ये आके फनकारी करेगा, पैसे नहीं देंगे। कॉस्ट बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट करती है और हेल्प करती है, कर रही है, सेटिस्फाइंग पियो, क्या रिकवरेबल है? जाहिर है, इश्तिहार चलेगा तो रिकवर हो जाएगी, रिकवरेबल क्यों नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये एसेट है आई एफ आर एस 15 का, आई एफ आर एस 15 का एसेट तो क्या करो, इसको एमर्टाइज कर दो सिस्टमैटिक बेसिस, हमने का सिस्टमैटिक बेसिस यही हमारी, ठीक है, के 750 और 750, 375 और 375, ठीक है। ये मैंने आपको न्यूमेरिकली बता दिया, नीचे इसकी अंग्रेजी लिखी हुई है, उसको आप आपने पढ़ लेना है, इंपेयरमेंट को फिलहाल छोड़े रखें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट को ओपन कर लें, बल्कि टेस्ट ना ओपन करें, आप पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ओपन करें, क्योंकि वो मैं आपको करवाऊंगा, तो टेस्ट का क्वेश्चन 1 फिर आप उसको देख के करेंगे, उसको समझने के बाद करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन टेस्ट का, ये टेस्ट एडिशनल आ गया, वरना हम अपने टारगेट पर बिल्कुल ठीक थे, अब हमने एक घंटा रेशियोस पढ़नी थी, लेकिन ये टेस्ट की डिस्कशन एडिशनल है, आज 20 मिनट से 15 मिनट लग जाएंगे। टेस्ट भाई एक मुझे भी दे दीजिए, है नहीं है, है नहीं है, है अच्छा, टेस्ट को बाद में देखना, सॉरी, मैं तो ऐसे ढूंढने लगा था दूसरे सवाल के लिए। पास पेपर 4 पार्ट बी प्लूटो लिमिटेड, पढ़े जरा एक बार जल्दी से, होमवर्क में था ये, कितने बच्चों ने किया वैसे ट्राई? कर लेंगे, आज नहीं करेंगे अब इसका, इसको आप देखेंगे किस वक्त होती है बारी, इसकी रेशो शुरू कर दिए उसी क्लास में, पहली रेशो बढ़ा दिया मैंने, सवाल पढ़ लेना यार, अभी नए काम की तरफ ना चलना यार, बच्चों को समेट लें, उसके बाद सारे सवालों के जवाब देखे जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं रेशोज को कल और परसों में मैक्सिमम खत्म करूं, जैसे रेवेन्यू को हम कुछ दिन पहले खत्म कर चुके हैं, हाँ, ये पेपर के अंदर कैसे नंबर आएंगे उसके लिए तो फिर हमें 2-3 दिन मजीद लगेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए रेशोज, रेशोज क्या है, रेशोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मतलब होता है, ये चीजें समझ लेंगे, फिर प्रैक्टिस में पेपर में नंबर कैसे आने हैं, जल्दी कैसे लिखें, थोड़ा सा कैसे लिखें, ये सारे काम तो बाहर चलते रहेंगे, रेवेन्यू रेशो साथ चलेगा, इसी बात, ठीक है। आज का टेस्ट ना होता तो बहरहाल कल और परसों में होपफुली हम ये रेशोज की जो है ना सिर्फ तेरी तेरी जो है जो बातें हैं वो डिस्कस कोशिश करके कर लेंगे, रेशो कैलकुलेट करनी आ जाए, रेशो क्या बताती है, सारी बातें पता चल जाए, ताकि मंडे से इन दोनों की प्रैक्टिस सिर्फ चल रही हो, रेशो का सवाल, रेवेन्यू का सवाल, रेशो का सवाल, रेवेन्यू का सवाल, जब सही हो जाएगी तो फिर छुट्टी नहीं, फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस, जब खत्म होगा बेटा, अगर 31 तक यकम तक ना खत्म हुआ तो फिर उसके बाद रिवीजन क्लास, लेकिन हो जाएगा। प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस, C1 100,000 का बिकता है, C2 नॉर्मली 90,000 का बिकता है और CT 110,000 का। बेटा पेज पूछने वालों को पता नहीं क्या मसला है, आगे फारस 15 का पास पेपर कहां पर होता है, मिलना चाहिए हमें, पेज 874 चैप्टर 10 बुक में राइट साइड पे सवाल है, मिडिल में करके पेज फ्लांट पता नहीं कौन लोग होमवर्क करके आते, वैसे पता कहां पे पढ़ा हो। प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल एट फॉलोइंग मार्केट प्राइसेस, C1 100,000 का बिका करता है पर कार्टन, C2 90,000 का बिका करता है पर कार्टन, C3 110,000 का बिका करता है पर कार्टन। लेकिन C2 और C3 ना ये शायद अलग बिक नहीं रहे होंगे किसी वक्त में, ये जो बचत पैक्स आते हैं उसमें आपको पता है जी, वो मिसाल के तौर पे जी एक और दो प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पे मुख्य एक ही कंपनी की है, वो उसको एक जंबो पैक में आते हैं। अब वो अगर दोनों 10-10 रुपए की है तो वो जंबो पैक में आके 20 रुपए में बेचेंगे तो फिर किसने लेना उस तरह से, ठीक है, वो लेंगे कब, जब ये 20 बनते थे 18 रुपए का बेचेंगे, बचत पैक जो कह रहे थे थोड़ी अमाउंट जो कम कर दी जाती है, ठीक है। तो जो चीज अलग कभी कभी ना बिक रही हो या तेज करना चाहे सेल, तो ऐसे करके कोई एक स्लो होता है, कभी कभी दोनों स्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे सी जो है थोड़ा स्लो चल रहा था, उनका यार 2 और 3 को मिला के थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं और चला देते हैं, कंपनी जैसे कर रही होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है पीएल अलग अलग, तो कोई खरीदे तो इतनी कीमत पे बेचता ही है, लेकिन पीएल जो है वो C2 और C3 कार्टन को एक बड़ा कार्टन बना के भी बेचा करते हैं जंबो पैक, ठीक है। तो वो कितने का बेचते हैं, 170, ठीक है। इसका मतलब 200 वाली चीज 90 और 110, 200 वाली चीज 170 में ऑफर की जाती है, तो डिस्काउंट है या नहीं है, डिस्काउंट तो है, ठीक है। अब इधर देखिए, C2 नॉर्मली कितने का बिकता है, 90 का, ठीक है, और C3 110 का, तो टोटल ये पैकेज क्या है 200 रुपए का, अगर कोई अलग अलग खरीदे तो। लेकिन इन्होंने इन दोनों को इकट्ठा किया, अभी इकट्ठा करने से क्या ये गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं रही,
भाई अलग अलग बिक रहे हैं तो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट या पैकिंग कट्टी कर देने से क्या वो एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल होने से रुक जाएंगे, तो गुड सर्विस डिस्टिंक है तो पीओ तो सेटिस्फाई जो है वो सेपरेट ही रहेंगी, उनको सेपरेटली एक तरह से हम ठीक है एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन है तो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ना, ये भी खरीदना या बनाना पड़ेगा, ये भी खरीदना या बनाना पड़ेगा डिलीवर करने के लिए। बहरहाल ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर हम कहें इस पैकेज की है, ये क्या है ये बचत पैक बचत कार्टन, ठीक है बचत पैक होता है ना, ये बचत पैक में उन्होंने ऑफर कर दिया है 170 रुपये। अब गड़बड़ तो हो गई, मार्केट प्राइस है इनकी अलग अलग देखा जाए तो 200, ऐसे ही तो हो रहा था आज तक ये देखते आए। उमर और मोबिलिंग में क्वेश्चन कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, उमर और मोबिलिंग वाली एग्जांपल के अंदर भी क्या था, अलग 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 200 की सर्विस थी, 500 का मोबाइल था, लेकिन जब उसको पैकेज में आके दिया, पता नहीं मोबाइल नहीं बिक रहा था या सर्विस नहीं बिक रही थी, जो भी था पैकेज में आके दिया जाता तो थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है हमें अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, ठीक है ना, तभी कोई कस्टमर उस पैकेज की तरफ ऐसा हो जाएगा ना, अट्रैक्ट तो तभी होगा। मैं तो कह रहा हूं आपको कि अगर 90 से 110 के अलग मिलते हैं इनको पैकेट में बंद करके ऊपर 200 लिख दो तो क्या फर्क पड़ना है, जैसे चल रहा था पहले वैसे चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट ऑफर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। जब हम पैकेज बना रहे हैं तो हमने पैकेज बनाया बचत पैक दिया, ठीक है ये है वो बचत पैक, ठीक है जिसकी कीमत कितनी ऑफर की गई है 170। मार्केट प्राइस डिफरेंट हो गई, एलोकेशन करनी पड़ेगी, एलोकेशन करेंगे 170 को बांटेंगे 90/200, 170 को फिर बांटेंगे 110/200, ठीक है जी कितना आ गया 76.5। किसी एक को डिस्काउंट सिर्फ हम ये 30 का डिस्काउंट सारा C2 को मैनेजर ही चार्ज करने लगा C2 को, अगर नहीं उसका भी आपको बनता है उसको भी डिस्काउंट है, मेरे भी बचे हैं मैंने भी सेल टारगेट पूरे करने हैं, आप मेरी सेल को सारा डिस्काउंट ये ना आप चार्ज करें, ठीक हो गया डन हो गया एलोकेशन हो गई। अब वो कहता है कि पीएल ने नया बचत पैक बनाने की जो है ना वो ठान ली है, और नया बचत पैक जो है वो C1 C2 और C3 इन तीनों को मिलाकर है, और ये जंबो था तो ये जंबो जंबो है, ठीक है जंबो जेट है, ठीक है जी ये बचत पैक वो जंबो पैक बनाया था ना, दो बना दिए थे, ठीक है और ये भी बचत पैक ही है बचत पैक, लेकिन ये बचत पैक जो है ये जंबो जेट है बकौल आपके जंबो जेट, ठीक है और ज्यादा इकट्ठा कर दिया उनको ने कहा, और अगर कोई ये तीनों इकट्ठे खरीदेगा तो हम इसको ये बताना अगले रिक्वायरमेंट पढ़ के। अब आपका पता है दिल क्या है, जो आपने पेपर में किया वो आपका दिल है 160 नहीं, अच्छा अच्छा आपका जो पेपर में जो आपने किया ना टेस्ट में आपका दिल वो कर रहा है क्या, पहली बार ही लिखते यहाँ पे लिखते 100, 90, 110 ये बनता टोटल कितना वैसे 340 का सारा डिस्काउंट बराबर बराबर तकसीम करते जैसे आपने किया, ठीक है तो सुने अगर सारा 40 का डिस्काउंट अगर यहाँ पे मैं 100 से तो होना ही है, अगर मैं यहाँ पे 90 और 110 ले लेता तो ये कितना बनता 300 और 40 का डिस्काउंट सब में बराबर समझ तकसीम होता तो सी1 वाले मैनेजर ने चीखना था या नहीं, हमने क्या कहना था यार मेरा क्या कसूर है, वो पहले ही थक्कड़ प्रोडक्ट से 30 के डिस्काउंट पे बिक रही है तो वो 30 के डिस्काउंट में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, उनको पहले डिस्काउंट दे दो उनके हिस्से का। हाँ अब ये इस बचत पैक के अंदर जो 10 का डिस्काउंट है हाँ इसमें मेरा शेयर भी बनता है, मैं तो अलग से बिक रहा हूँ 100 रुपए का, ठीक है वो थकी हुई प्रोडक्ट पहले भी आपने डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो 30 डिस्काउंट प्योरली उनका है, इनमें मेरा हिस्सा नहीं है, देख लो आप देख लो वो कटी बिक रही है डिस्काउंट बिक रही है तो 30 उनका डिस्काउंट है, आपको देखो मिसाल के तौर पे ये भी है नहीं ऐसे करना नहीं गलत होगा, लेकिन मैंने लिख दिया 90 और 110, ठीक है ये बना 300 ट्रांजेक्शन प्राइस निकालना 86.5। अब उसने बोला डाला 16 रुपए का डिस्काउंट मेरा क्या कसूर है, ठीक है तो ये 86 समथिंग जो आप कह रहे हैं ये 87 हो गया ना 87 रुपए, ठीक है 87 की 100 वाली चीज 87 की, यार खुदा का खौफ करो ये 10 में मेरा हिस्सा बताओ मैं 10 से शामिल हुआ हूँ, 30 तक तो वो खुद आ चुके थे जो अगला 10 से 40 तक जाते हुए मैं इसमें हिस्सेदार हूँ, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब है फिर हमें ये 76.5 और 93.5 यानी 170 जमा 100 270 पे आना पड़ेगा, सिर्फ 10 का डिस्काउंट है जो इस जंबो जेट पैक के अंदर हमने एलोकेट करना है, तो अब जरा एलोकेशन कर लेते हैं 100/87 मैंने वैसे यहाँ पे लिख लिया चलो जी ये 260 को एलोकेट करना है 100/270 को हमने करना है 76.5/260 को डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय जी जल्दी बताएं एग्जैक्ट बताएं 96 क्योंकि 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 बुक का सोल्यूशन देखेंगे ना तो वहां पे 1000 नहीं होगा ना मैच नहीं करेगा 96.296 नेक्स्ट 73.7776 667 90.00 बेटा मैंने कहा मत करो राउंड, उसकी वजह यह है कि 3 तक देख दो क्योंकि 1000 से मैंने क्वेश्चन कर दिया था ना ताकि सॉल्यूशन एग्जैक्ट मैच करे आपको तसल्ली हो सके, सॉल्यूशन का तरीका वहां पे डिफरेंट आई थिंक, तो आप जाके सॉल्यूशन को देखेंगे मिनट रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं फिर पहले रिक्वायरमेंट तो पढ़ ले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस पीएल ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 260, तो हमने उसको कैलकुलेट करके दे दिया 96, 73 और 90, ठीक है ये सेलिंग प्राइस है अगर 260 का जंबो पैक आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी तो जाकर देखें सुशिंद्र जल्दी से उसमें फर्स्ट डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट आई थिंक अलग अलग है ऐसे ही है, सवाल नंबर मिल गया ठीक है। अब एंड वाली चीज है मेरे ख्याल में हमारा रिक्वायर्ड आंसर 96,296 ये 73,667 और 90,037, तो वहां से पता नहीं पहले डिस्काउंट कैसे दूसरा कैसे एलोकेट किया तो ज्यादा बेटर है। अब रिक्वायर्ड क्या है हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट लिख देंगे ठीक है इसके ऊपर हेडिंग दे लेंगे जो उसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ठीक है और इसको वर्किंग वन कह लेंगे ठीक है ना ये वर्किंग वन होगी और ये क्या होगी हमारी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट लिख के ना आगे वही पेपर वाला सवाल लिख के उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेंगे जी ये वर्किंग वन से आया था और अब रिक्वायरमेंट हमारी पूरी ठीक है। अब जरा टेस्ट वाला सवाल जल्दी सामने रखें यस तो स्टैंडर्ड लोन से किया हाँ तो इंडिविजुअली 100 की बिक रही है नहीं सी वन ये कहेगा कि ये 30 का डिस्काउंट तो ऑलरेडी आप इकट्ठा देखें डिस्काउंट हम दे कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस अकेले की तो ऊपर ही हुई है स्टैंड अलोन का मतलब मार्केट मार्केट प्राइस बोलो मार्केट प्राइस का मतलब हम अकेले बेचे तो अभी भी इतने की बिक रही है। अब ये जो जंबो में 40 का डिस्काउंट है इसमें सी वन का कितना कसूर है उसका सिर्फ 10 वाला ही हुआ ना वो ऑलरेडी डिस्काउंट पे बिक रही थी तो पहला डिस्काउंट हम ऑफर कर चुके हैं वो सी टू और सी थ्री से रिलेटेड है सिर्फ
डिस्काउंटेड को मार्केट बनाएंगे क्योंकि पैकेज के लिए वही मार्केट प्राइस है ऑलरेडी ऑलरेडी पैकेज में था ना। अगर आप उसको 100 मतलब इनको सबको मार्केट प्राइस ले जाओगे ना यहाँ पे तो वो 87 रुपए उसकी प्राइस आएगी जो कितना चीज है खुद बताओ 97 रुपए उसकी कीमत बनती है। वो कहेगा भाई क्यों, वो ऑलरेडी डिस्काउंट उनको एलोकेटेड है ऑलरेडी समझो, वो ऑलरेडी 30 रुपए डिस्काउंट बिक रही है। अब ये जो ऑफर में आपने मुझे शामिल किया है तो इसमें तो 10 रुपए मजीद डिस्काउंट दिया ना, तो ये 10 रुपए उनको भी बांटो मुझे बांटो, मुझे कोई मसला नहीं। सवाल पे आओ, सवाल में हमारा टेस्ट का सवाल था, इसमें खैर से 5 प्रोडक्ट्स थी ठीक है, और 5 प्रोडक्ट्स में बी एंड सी डी एंड ई ये ऑलरेडी जंबो पैक्स बने हुए थे कि हमने जंबो जेट पैक बना दिया ए बी सी डी ई ठीक है। इसका मतलब वर्किंग वन वर्किंग टू ये दो होनी थी और फिर रिक्वायरमेंट में हमने आना था ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। सलूशन आज भी दूंगा कल मिलेगा ताकि ये ट्राई करके आए ठीक है। सलूशन बनाओ ओके नेक्स्ट भाई मार्केट प्राइस दीवाने रेजुलर प्रोसी लग सकती है, बहरहाल कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, इसके तुमने दो तो सही निकाल लिए। ये सही निकला है ना 96.5 93.5 हाँ, लेकिन वो भी सेंट तक सही निकला, आगे जाके वो भी गलत हो गया। रेजुलर रोज गाती ओके। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी, बहुत ही अच्छा सवाल, आला सवाल लेकिन बहुत आसान, क्योंकि इससे बहुत आगे की सोच अब आप सोच रहे हैं कल वाले क्वेश्चन 6 को करने के बाद से आप मार्फत के उस दर्जे पे पहुंच गए हैं कि ये उससे पीछे ही रुक गया था ठीक है। बस चीज को समझने का देखने का, देखें आप बड़े हो गए हैं, एएफसी को गुजरे कैफ में आए इंट्रो भी गुजर गया ठीक है। अब आप समझते हैं कि एक तो स्टार्ट करने में काफी मसला है, ये भी आया बच्चे स्पून फीडिंग चाह रहे होते हैं, हालांकि स्पून फीडिंग ही कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब समझना सीखें तो सही, दिमाग को इस्तेमाल करना सीखें तो सही। ये जो टॉपिक है ना आपके सामने रेवेन्यू का स्टैंडर्ड आगे रेशोज आ रहे हैं, ये आपके मतलब आपको एक अच्छा बड़ा वाला बड़े लेवल का अकाउंटेंट भी बना रहे होते हैं ठीक है ना, खासतौर पर रेशो का टॉपिक आज हमने शुरू करना है। तो हमने थ्योरी तो सारी पढ़ ली थी, स्टैंडर्ड सारा पढ़ लिया था, कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो जिनसे टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ये रियल लाइफ के अंदर चीजें हैं इस तरह की ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था थ्योरी पढ़ा के खत्म करते ही कि आपने जो है वो 5 एक नंबर तैयार कर लिए, तो आपने देखा आपको हर पास पेपर के अंदर 3 से 4 नंबर मिल रहे हैं उस एरिया में से, बाकी सब क्या है प्रैक्टिस है। लेकिन चला हम इस रिस्क को कवर कर रहे हैं और ये 3-4 दिन में मजीद सारा रिस्क कवर, उम्मीद है सारा रिस्क रिस्क तो इसकी होता है, सारा कवर नहीं हो सकता, यूँ कह सकते हैं कि हमें जो है वो 70-60% मार्क्स हमारे सवाल में से भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन उसके बनेंगे तो जैसे कल वाला सवाल आया था उसको कुछ ना कुछ करके आए ठीक है। कुछ ना कुछ आधा आधी एंट्री, एक एंट्री सही, एक एंट्री सही, 4 एंट्री थी, 6 थी, 10 एंट्री थी, मिसाल के तौर पे 2 एंट्री सारी सही हो गई, 2-3 चीजें वैसे उसको थोड़ा लगा आधी जाती सही थी, तो कुछ ना कुछ नंबर वहां से मिल गए, 3 नंबर वहां से मिले हुए थे, 3-4 नंबर यहां से मिले, टोटल 12 नंबर ठीक है। तो पास होना है सवाल में से, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना करके फेल होने से, कुछ गलत करके फेल हो जाओ दुख नहीं रहेगा इंशाल्लाह ठीक है। वैसे फेल नहीं हो गए इंशाल्लाह अगर इस तरह से एफर्ट करके आओगे, पढ़ा तो होता है चीजों को ठीक है ओके। वसीम इंडस्ट्रीज एंटर्ड इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सुने ये सवाल की एंट्रीज मैं यहाँ पे कर भी दूंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट क्या है आपसे, मुद्दमाना गुजारिश है आप प्लीज ना कीजिएगा यहाँ से नोट, मैं एंट्रीज लिख दूंगा, मैंने पहली क्लास में कहा मैं आपको सब बोलने लगा एंट्रीज लिखूंगा नहीं, लेकिन फिर मैं जब बोल रहा था तो मुझे वो बोलना समझाना नहीं आ रहा था, यानी कि मैंने लिख दी एंट्री, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि प्लीज कोई लिखे ना, मैंने उसको फॉर्म में डाल दिया, मैंने कहा बात समझ आ गई आप ट्राई करना ठीक है, ताकि आपकी थोड़े से चलो आप देख के कम से कम जहन को चलाना तो आ जाएगा यार इस तरफ, चलो अब ये बता दिया रास्ता बना किसी रास्ते डाल दो चलो कम से कम ये बस वही ठीक है सोल्यूशन बेहतरीन सर ने सही एंट्रीज की है, मैंने थोड़े पेपर लेना ओके नाउ चले पहले पढ़ते हालात सूरत हाल हालात वाकत क्या है। वसीम इंडस्ट्रीज एंटर्ड इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अलिफ नून ऑन 1 अप्रैल 2019 to supply small generators which are used normally in offices or shops. The contract states that price per generator will be adjusted retrospectively. Hai ye sahi kar le pata nahi retro keda marks retroactive ji the contract states that price per generator will be adjusted retrospectively once customer reaches 0 to 400 units kitne ka agar koi customer humse 400 tak generator khareedega to har generator ki kimat aur agar koi 400 se 800 ke darmiyan khareed jaye to aur agar koi 800 se upar khareed jaye to ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है मार्केट में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा ये टेस्ट ना आता तो ये मतलब कल के दिन की या आज के दिन की एग्जांपल होती है आपके सामने जिसको हम कर रहे होते हैं, सीखना तो होता है ठीक है, कोई बात नहीं परेशान कभी भी नहीं होना, पेपर से पहले पहले तैयारी करनी है ठीक है ना हाँ। देखें तैयारी करके ऐसा सवाल आ जाता, तैयारी हम इसकी ना करके गए होते तो भी तो कोशिश करके देखना ना, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई जो समझ आई कर दिया और देखो फिर भी इतने मार्क्स आए, ये कॉन्फिडेंस बगैर आजमाए कभी नहीं आ सकता और इसके बगैर मुश्किल हो जाता है कुछ चीजों में कुछ सवालों में पास होना। अब कहता था कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स दी हुई है, अब तक बताया नहीं कितनी चीजें बेची हैं और साथ ही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया जब चीजें भेजी जाती हैं उसके 10 दिन में पैसे आ जाते हैं। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज ऑफ कस्टमर WI एस्टिमेट्स दैट सेल वॉल्यूम फॉर द ईयर विल बी 600 जनरेटर्स जी फुल स्टॉप। अपना एक्सपीरियंस और कस्टमर के साथ कुछ जानते होंगे पुराने अच्छे से चले आ रहे होंगे ये सेलर होगा कस्टमर ठीक है, तो उसके हिसाब से उसे अंदाजा है वसीम इंडस्ट्रीज को अंदाजा है कि 600 जनरेटर इस साल में ये खरीदेगा। अब अगर 600 जनरेटर खरीदेगा तो कितनी प्राइस चार्ज करनी पड़ी, लेकिन मसला यह है कि जब तक परचेज 400 से ऊपर बढ़ेगी नहीं तब तक उससे कम पैसे नहीं लेने, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा तो कम पैसे ना बाद में काम उसकी बातें भी रहेंगे, तो हमने कहा होता है हमसे कहा करने कस्टमर को कर करी जाओ परचेज, जैसे ही आप 401वां जनरेटर खरीदोगे आप 401वां जनरेटर 147,000 में खरीदोगे, फिर पिछले 400 जनरेटर्स के हर जनरेटर के हिसाब से 3,000 रुपए का आपको रिफंड भी मिलेगा, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव का करके भी देखा हमने इसमें से 20 रिफंड आए तो रिफंड लायबिलिटी हमने क्रिएट की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म कर लिया था ठीक है सही है ना, लेकिन 400 तक पहुंचने से पहले पहले तो हमें क्या पता वो 399 खरीद के वो कह जी मैं वादा करता हूं जी आपसे आजकल वादा करता हूं जी 600 खरीदूंगा 399 खरीद के भाग जाए, और हर यूनिट के पैसे हमने ले रखे थे उससे 47,000 अब हमें तो पड़ गया 399 को 3,000 के हिसाब से नुकसान ठीक है। तो बिजनेसमैन बनके सोचें आपने अपनी सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा के आपने प्रॉफिट्स बढ़ाने थे ना, तो वो कम नहीं होने देना ठीक है। भारत 400 यूनिट्स तक 50,000 ही लेंगे, 401वां जनरेटर खरीदेगा तो वो 47 पे बेचेंगे और पिछले 400 का 3,000 के हिसाब से पैसे भी रिफंड उसको उसका रिफंड उसको वापस कर देंगे ठीक है। इसका मतलब जब तक 400 ऊपर ना जाए उसने हर जनरेटर कितने पैसे देने, मुझे डिलीवरी के 10 दिन देने हैं कितने देने हैं 50,000 ठीक है। अच्छा बाय द एंड ऑफ मे
एन परचेज्ड ओनली 120 जनरेटर्स एट अ प्राइस ऑफ 50,000 पर जनरेटर जी बाय द एंड ऑफ मे डिलीवर कितने हुए 120 ठीक है बाय द एंड ऑफ मे 31 मई कह लूं ठीक है अप्रैल से पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पता नहीं हमें क्या पता 31 मई को क्या हुआ 31 मई कह देता हूं 31 मई को क्या हुआ पैसे आ गए पैसे नहीं आए लेकिन ये जनरेटर हमने बेचे ठीक है कितने जनरेटर बेचे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेवेन्यू जनरेटर का रिकॉर्ड कर ले पहले रेवेन्यू जनरेटर का एक जनरेटर यार और तो कोई प्रॉब्लम ऑब्लिगेशन है नहीं तो इसलिए नाम लिखने से बचत होगी ठीक है रेवेन्यू अलग अलग करने से रेवेन्यू रिकॉर्ड करो कितने जनरेटर बेचे हर एक कितने का 6,000 रुपए ठीक हो गया जी ओके अब रिसीवेबल 10 दिन बाद जो रिसीव होना है वो कितना होना है 6,000 इतना ही नहीं होना 120 यूनिट्स खरीदे हैं तो हमने ओह सॉरी ये आपने गलत बताया ना सॉरी आपने मैं भी कहूँ आप कैसे कह रहे हैं जी भाई देखें हमें अंदाजा है कि 600 पर इसने चले जाना है इसका मतलब हमें रेवेन्यू कितने पे मैं भी कहूँ कैसे कह रहा हूँ ठीक है हमें अंदाजा है कि इसने 600 पे चला जाना है तो फिर हमें अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को इससे एडजस्ट करना चाहिए या नहीं हमें पता है कि कल को हमें 47,000 का जनरेटर बेचना पड़ना है जो पुराने महंगे बेचे हुए हैं तो उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा तो जिस बात का आप पता है वो रेवेन्यू गलत क्यों करो ट्रांजेक्शन प्राइस को वेरिएबल कंसीडरेशन से क्यों एडजस्ट करो बात समझ रहे हो कल को सेल को डेबिट करना है तो अगर आज पता है कि यहां तक पहुंचना है तो ये ना करो कि रेवेन्यू 50 का रिकॉर्ड करो और फिर रिवर्स करो ये जाती है हाँ अगर आज पता है 600 और कल को जाके लगे कि नहीं 800 करेगा तो फिर रिवर्सल हो सकती है प्रीवियसली बुक रेवेन्यू की अगर गलत है तो आज तो पता जो है कह रहे हो आप कि 600 तक वो जाएगा तो मतलब आपको 47,000 रुपए का जनरेटर बेचना पड़ेगा तो फिर आप रेवेन्यू 47 रिकॉर्ड करो ना ठीक है तो 47 वेरिएबल कंसीडरेशन ज्यादा है वेरिएबल कंसीडरेशन जी कितना 5640 लेकिन ये बात मैं कह रहा था आपको लेकिन जो 10 दिन बाद पैसे आने हैं जो अभी तो रिसीवेबल है जिन्हें आप डेटर कहोगे वो कितने होंगे वो मुकम्मल 50,000 होगा वो 50,000 मतलब पर जनरेटर ठीक है वो उसमें क्योंकि अभी तो जब कंफर्म होगा तो हम इसका रिफंड करेंगे ना तो अभी फिर इनको अलग करके रखेंगे कहीं पे जिसको लाइबिलिटी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का फंड लाइबिलिटी का ये कितना बनता है रिसीवेबल का 10 दिन बाद मिलने कितने 6,000 ठीक है इनमें से ये रेवेन्यू तो बाकी क्या है आप इसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कहो ज्यादा बेटर है रिफंड लाइबिलिटी को अगर आपको समझ आ रही हो तो बाकी दोनों ही सही है ठीक है टाइम कट हो गया इसको मैं यू लिख देता हूँ रिफंड लाइबिलिटी ठीक है जी रिफंड लाइबिलिटी ओके जी कितना यू मैं लिख भी देता हूँ ये 120 यूनिट्स के ना हमें शक है कि 3 रुपए फी जनरेटर वापस करने पड़ेंगे सही है तो 360 रुपए की हमने आज लाइबिलिटी बनाई है इसको इनकम में डाला ही नहीं ठीक है अब बस ये नोट तो कर रहे हैं ना बस बतवा दे दी मैंने इनको ओके क्या लग रहा है तुम भी साथ बनो हाँ तुम भी बात को तुम्हारे बच्चे माने जी 10 जून अब नोट ना करना लगना सारे ओके जी 10 जून को पैसे आएंगे तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना ये 6,000 पूरा ये रिसीवेबल और ये खत्म ये लाइबिलिटी रहेगा ठीक है अब जिन्होंने एंट्रीज की हिम्मत की होगी तो ये एंट्री तो सब नहीं कर ली होगी ये की होगी तो उसके नंबर तो मिल गए होंगे जिन्होंने कहा नहीं बात नहीं छोड़ के आएंगे तो ये नंबर भी गया 48 49 यहीं से ही बचना था उसके बाद ऑन 15 जून WI received an order of 250 generators to be provided during the June. Now WI estimates that cumulative sale volume for the year will be more than जून में आके उसका अंदाजा बदल गया है उसने इंडिकेशन दी है कुछ की ऑर्डर इस तरह से आ रहा है तैयार रखें जनरेटर हमने इस दफा 800 से भी ऊपर चले जाना है परचेज करते हुए क्योंकि बिजली तो फिर खत्म हो रही है तो WI sent the generators फिलहाल तो 250 उन्होंने मंगवाए हैं WI sent the generators on 28 जून को मैं वैसे यहां पर एक जगह छोड़ देता हूं वैसे ये बाद में भी आ सकती थी बहरहाल 28 जून को यहां 28 जून लिखते हैं यहां पर जगह खाली है इन्होंने मजीद कितने जनरेटर्स भेजे हैं 250 ठीक है तो पैसे जो रिसीव करेंगे वो कितने जनरेटर रिसीव करेंगे कितने के हिसाब से अभी भी 50 के हिसाब से रिसीवेबल क्योंकि 250 जमा 120 कितना बनता है 370 अभी भी 400 क्रॉस नहीं हुआ इनटू कितना होना 12,500 अब इसमें से कुछ रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू बाकी लाइबिलिटी बना लो रेवेन्यू कितना देखो सारे 250 × 45 क्यों 45 अब अंदाजा बदल गया कि कल को 5 इसका रिफंड करना है तो रेवेन्यू 45 जाना है ना तो इसको कितने रिकॉर्ड करो नहीं 200 प्लीज बाकी कितना बचा ये आप देखें ये क्या है ये 250 यूनिट्स की 5 रुपए लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी पड़ सकती है 125 समझे हो अब इसके पैसे आ जाएंगे जुलाई में 10 या 8 जो भी 8 जुलाई ठीक है जी 8 जुलाई को एंट्री होगी कैश डेबिट रिसीवेबल अब छोटी सी बात जो समझने वाली थी कितनी एंट्री तो तकरीबन जो थोड़ी समझ रखने वाले बच्चों के थोड़ी बहुत उन्होंने कर ली होंगी बहरहाल आधे बजे नंबर आ गए होंगे अब थोड़ा सा मसला क्या है देखें जून में आकर 15 जून को उसने क्या कहता है नाउ WI ड्यूरिंग जून अच्छा WI का जून में आके एस्टीमेट बदल गया अब जून में आके लग रहा है कि 800 यूनिट से खरीद जाएंगे इसका मतलब हर एक यूनिट कितने का खरीदेंगे फिर ये और 5 का हमें रिफंड देना पड़ेगा अब ये 250 का तो रिफंड 5 के हिसाब से ही रिकॉर्ड हो गया ठीक है लेकिन ये जो 3 के हिसाब से रिकॉर्ड है ये लाइबिलिटी तो कम पड़ जाएगी क्योंकि सारे ही यूनिट पर रिफंड मिलना है ठीक है तो फिर ये लाइबिलिटी कम पड़ी है ज्यादा ये कम पड़ी है तो फिर हम इस लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा देखो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को बढ़ाओ कौन सी वाली कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को बढ़ाने ये वाली कॉन्ट्रैक्ट इसको बढ़ाओ ये 120 के 3 रुपए वापस करने पड़ेंगे ये तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था रिफंड मजीद 2 रुपए भी वापस करने पड़ेंगे जी 240 ये 240 हमने क्या कर दिया है गलती से रेवेन्यू में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है अब ये एक इजाजत है रेवेन्यू को डेबिट करने की यानी एडजस्ट करने की क्योंकि एस्टीमेट में चेंज आया है पहले नहीं था अंदाजा ठीक है तो यहां पे हमने एंट्री पास की रेवी ओल्ड डेबिट एंड रेवी ओल्ड डेबिट ओके जिन्होंने नोट किया ना बस अल्लाह ने पूछेगा वो बेचेंगे इंशाल्लाह किसी दिन
बेटा कैश का रिवर्सल नहीं, रिफंड करना है हमने, तो जो लायबिलिटी क्रिएटेड है जैसे ही बढ़ जाएंगे वो लायबिलिटी वहां पड़ी होगी, वहां को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दो जैसे कल रिफंड किया था वैभव को, तो हाँ तो वापस कर दो। कितना पड़ा है? ये पड़ा है, वो ये बढ़ता जाएगा, तो जब जब सेल होगी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अलग करते जाएंगे, अकाउंट पैसे इकट्ठे होते रहेंगे, रिफंड लायबिलिटी आज का कह दो, रिफंड लायबिलिटी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देना। यार अगर वो रिफंड करवाता ना तो फिर वो डेट भी बताता, इस दिन ये ईयर एंड है, रिफंड की एंट्री भी करो। बेटा अजम्पशन का क्या मतलब है? मतलब जब 400 प्लस जाना है तब ये कौन सी अजम्पशन है ऐसे? प्लीज जो दिल करे अजम्पशन ले ले, हम ऐसे थोड़ी है, मैं समझ ना अजम्पशन ले ले। नहीं यार, सामने बात लिखी हुई है कि जब 400 से बढ़ गए डिस्काउंट मिलेगा, जब 800 से बढ़ गए डिस्काउंट मिलेगा, तो मिलेगा। अब आप ये अजम्पशन करोगे ये सारा डिस्काउंट इकट्ठे कहीं एक साल बाद जब गुजरेगा तो क्या करेंगे? अगर उसकी जरूरत पड़े, रिफंड की जरूरत पड़ेगी, तो डेट खुद बताएगा। ठीक है, किससे किया है क्रेडिट हमने? क्योंकि हमने 120 यूनिट्स के हिसाब से सोचा हुआ था कि 3000 फी जनरेटर वापस करना पड़ेगा, लेकिन अब उसका अंदाजा बदल गया। अब वो जब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी तो 250 यूनिट्स की तो मैंने 5000 के हिसाब से लाइव रिकॉर्ड किया, लेकिन 120 की तो अभी तक 3000 रिकॉर्ड है, 2000 से रिकॉर्ड कर लो। तो लगता है मैंने कब उसको इकट्ठा किया इसके साथ? नहीं बेटा, उसने कहा था कि जब 400 से बढ़ेगी या फिर 800 से बढ़ेगी, तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, पहले जनरेटर से आज तक सबके ऊपर ही अप्लाई होगा। हेडिंग नाइन इश्यूज, आप लोगों ने लेट कर दिया। आपने सिलेबस देखा है? सिलेबस डाउनलोड करके देखें, फिर मैं भी बता दूंगा। देखें एक बार खुद भी, हाँ जी वेबसाइट पे हर चीज मौजूद, एक बार देखें खुद।